बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान मुस्लिम महिला का बुर्का उतरवाए जाने का मामला तुरंत पकड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी सीधे तौर पर सरकार को दोषी बता रहे हैं। कहाँ आए हैं? प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? क्या नाम है, नाम क्या आपका? जी जी, नाम क्या आपका? सायरा बानू जी। सायरा बानू जी, अभी योगी जी का किसका कार्यक्रम चल रहा है? ये योगी जी का। अभी आप आई हैं, आपका जो बुर्का है क्यों खुलवाया गया? प्रतिबंध है, प्रतिबंध है उस पर। प्रतिबंध है बुर्का पहन कर आने में? आपके बुर्का पहन कर आने में प्रतिबंध है? किसने प्रतिबंध लगाया? पुलिस वाले लोग जो बोले नहीं चलेगा, आप उतार दीजिए। जी, मौजूद थे और पूरे कार्यक्रम पे मुस्तैदी के साथ हम लोग की नज़र। बुर्का वहाँ पे उतारा जाता है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सभा में जाने का जो रास्ता था, दो गेट, और दोनों गेट पे महिलाओं को चेकिंग करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग पंडाल बनाए गए थे। तो जब महिलाओं का निरीक्षण वहाँ बंद पंडाल में हो रहा था, तो हमें समझ में नहीं आता कि बुर्का उठाने का प्रश्न कहाँ से उठा, और इसलिए यह आरोप, यह बातें सरासर बेबुनियाद है। पुलिस की गलती नहीं हो सकती, हो सकता है कैमरा की गलती हो, यानी वो औरत, हो सकता है कि विपक्षियों का ये षड्यंत्र हो। ये अमानवीय व्यवहार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का अपमान, उत्पीड़न उनका हो रहा है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, थाने में बलात्कार की घटनाएं हो जा रही हैं। तो महिलाओं का अपमान, बच्चियों का अपमान, छात्राओं का अपमान, छात्राओं का लाठीचार्ज, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आम बात है।